सब्सक्राइब कीजिए जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनु भारद्वाज स्वागत करता हूं अपने चैनल जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो रिलेटेड है बैटरी से। दोस्तों, ये एक SMF यानी कि VRLA बैटरी है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपने चैनल GT फीचर टेक्नोलॉजी में। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है एमरॉन क्वांटा की बैटरी, VFM सीरीज है, एमरा राजा की बैटरी है। ये दोनों कंपनी एक ही है और आपको जैसा पता है सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग वाली बैटरी है इंडिया के अंदर। फर्स्ट नंबर पर एक्साइड आती है, सेकेंड पे आपकी एमरॉन आती है। यहाँ लिखा है लाइफ अनइंटरप्टेड कंटिन्यूस सप्लाई देगी। दोस्तों, ये 12 वोल्ट 7 एम्पीयर आवर की बैटरी है जिसका जो कोड है वो है SMF VRLA। SMF से मतलब है सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी और VRLA का मतलब है वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज। दोस्तों, SMF का मतलब है सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी क्योंकि इसके अंदर कोई भी टॉप अप करने की जरूरत नहीं है, पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, ना कोई फ्यूम्स निकलती है, ना कोई गैसेज निकलती है। तो सबसे बड़ा फायदा इसी का है कि अगर हम अपने UPS या इलेक्ट्रिक कार में इस बैटरी को यूज करते हैं तो उस गैजेट्स की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो SMF VRLA बैटरी ही ज़्यादातर इलेक्ट्रिक टॉय कार में या आपके UPS में, इन्वर्टर में या सोलर बैटरी चार्जर के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। और सामने आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एमरॉन क्वांटा। थोड़ा पास से दिखा देता हूँ आपको। चार्जिंग वोल्टेज यहाँ पर बता रखा है और स्टैंड बाई 13.5 वोल्ट / साइक्लिक है 14.7 वोल्ट। तो ये कुछ चीजें यहाँ फ्रंट पर मेंशन है। यहाँ देखिएगा प्रोडक्ट नेम गिवन है SMF बैटरी, मार्केटिंग बाय एमरा राजा बैटरीज लिमिटेड, मॉडल नंबर है 12AVL07, नेट क्वांटिटी 1 है। फीडबैक के लिए कस्टमर केयर नंबर यहाँ पर दिया हुआ है जहां पर आप कॉल करके कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व कर सकते हैं। मंथ ऑफ ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे रखिये January 2022। MRP है 940 rupees। तो दोस्तों, ये आप ऑनलाइन पोर्टल से या ऑफलाइन पोर्टल से 900 के करीब आप इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, टॉप साइड में और देखते हैं, टॉप साइड में VFM चार्जिंग वोल्टेज बता रखा है @27°C। अवेलेबल चार्जिंग वोल्टेज के बारे में बता रखा है वो है 12 वोल्ट 7 एम्पीयर आवर। स्टैंड बाई फ्लोट वोल्टेज के बारे में बता रखा है 13.5 से 13.8 वोल्ट। साइकिल यानी बूस्ट वोल्टेज बता रखी है 14.4 से 15 वोल्ट और चार्जिंग करंट मैक्सिमम 1.8 AMPS। और यहाँ पे बैटरी नंबर मेंशन रहता है जो है C220117। ये देख सकते हैं, ये टर्मिनल है जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है जो आपके UPS या इलेक्ट्रिक टॉय कार के टर्मिनल के साथ कनेक्ट होंगे। सबसे ज्यादा सेलिंग में आती है आपकी ये एमरॉन क्वांटा VFM एमरा रोजा की और ये वारंटी कार्ड गिवन है। दोस्तों, इसके अंदर जो वारंटी मिलती है वो 15 मंथ्स की है जिसमें 1 ईयर की आपकी रिप्लेसमेंट वारंटी है। और ये सारी चीज वही मेंशन है जो इस बैटरी पर मेंशन थी, चार्जिंग वोल्टेज @27°C। ये जो सीरीज है वो है VFM सीरीज SMF VRLA। SMF सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी और VRLA मींस वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा अच्छी और सस्ती बैटरी यही आती है एमरॉन क्वांटा। अगर आपको अपने UPS या सोलर चार्जिंग स्टेशन या इलेक्ट्रिक टॉय कार के लिए बैटरी चाहिए तो इससे अच्छी बैटरी आपको नहीं मिलेगी जो लेस देन 1000 में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टल से खरीद सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप इलेक्ट्रिक टॉय कार या UPS में या किसी भी गैजेट में इस तरीके की बैटरी यूज कर रहे हैं तो SMF VRLA बैटरी ही यूज करें। तो क्योंकि उसमें झंझट ही खत्म हो जाता है, कोई फ्यूम्स गैसेस का डर नहीं, कोई टॉप अप करने का डर नहीं, यानी कोई भी डिस्टिल्ड वाटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके की बैटरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिक टॉय कार, UPS या अदर गैजेट्स के लिए। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, अलग अलग ब्रांड आते हैं जिसमें एमरॉन है, ओकाया है, एक्साइड है, माइक्रोटेक है, लिवगार्ड है, ऐसी बहुत सारी हमारे पास कंपनीज हैं जिसमें हम अपनी SMF VRLA बैटरी को छाट सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप एमरॉन की छाट सकते हैं, एक्साइड की छाट सकते हैं जो बहुत ही अच्छा बैकअप देती हैं और उसकी क्वालिटी A1 है। तो दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी की SMF VRLA बैटरी आप सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरी इलेक्ट्रिक कार है और मैं अब
ये SMF बैटरी को चेंज करूंगा जो चाइनीज बैटरी थी, और उसे रिप्लेस करूंगा अपनी एमरॉन क्वांटा से जो एमरा राजा ग्रुप की है। यहां पर मैंने लॉक खोल लिए हैं, इसको मैं हटा देता हूं और आप देखिएगा हटाने के बाद यहां पर हमको बैटरी मिलती है, और आप देखिएगा लोकल बैटरी है ये। इसको मैं अब खोलता हूं और इसको रिप्लेस करता हूं। सबसे पहले इसके टर्मिनल्स हम निकाल लेते हैं, ये रेड है और ये ब्लैक है। साइड में कर देता हूं इसे, जिससे मुझे पता रहे कि रेड कौन सा है और ब्लैक कौन सा है, और इसको मैं ओपन कर लेता हूं। इन वाले स्क्रूज को खोलना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू ड्राइवर, और इसको हटा देना है। ये वाली बैटरी है, और आप देख सकते हैं क्या बुरी हालत हो चुकी है बैटरी की। ये लोकल बैटरी है, इसलिए मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करूंगा ऐसी बैटरी यूज करने के लिए जो SMF बैटरी नहीं है। नाम की SMF बैटरी होती है, एक्चुअली में ये सबसे घटिया बैटरी होती है, चाइनीज बैटरी से कहते हैं, जिसकी कीमत मात्र 200-300 रुपए होती है, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टेबल बहुत ही ज्यादा महंगे दामों पे सेल करी जाती है। क्या बुरी हालत हो चुकी है आप देख सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं इसका कितना सारा पीसेस गिर चुका है। इसकी जगह अब हम लगाएंगे अपनी एमरॉन क्वांटा बैटरी। सबसे पहले मैं साफ कर देता हूं जो भी ये गंदगी फैली हुई है। चलिए अब चेंज करते हैं उस चाइनीज बैटरी की जगह और लगाते हैं एमरॉन क्वांटा VFM SMF VRLA बैटरी, जो सबसे बेस्ट बैटरी में आती है, जिसे मैंने अपने इस टॉय कार के लिए लिया था, और देखिएगा स्लॉट में बिल्कुल फिक्स बैठ चुकी है। सबसे पहले हम यहां पर इसका कनेक्टर लगाएंगे जिससे कि ये बैटरी हिल ना पाए। इस बैटरी को हम फिक्स भी कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रूज। इस तरीके से अब हम ये स्क्रू कस देते हैं। ये ज्यादातर इसलिए करा जाता है जिससे कि बैटरी आपकी हिले ना। बहुत अच्छी तरीके से ये हमारी SMF बैटरी फिक्स हो चुकी है एमरॉन की। अब हम कनेक्शन टर्मिनल पर ये वायर लगाते हैं। ये नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव वायर है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल सही ढंग से कनेक्ट हो। अब हम इसको चार्ज करेंगे, उसके बाद ही हम इसे यूज करेंगे। ये मैंने चार्जिंग में लगा दिया है, और अब मैं इसे 6 घंटे चार्ज करके देखूंगा, और उसके बाद देखेंगे बैकअप कितना मिलता है। दोस्तों बैटरी फुली चार्ज हो चुकी है, और एक बार हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं। अब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, और मैं इसका बैकअप चेक कर लेता हूँ कि कितना बैकअप आता है। दोस्तों अभी मैंने इसे यूज करके देखा, जो इसका टोटल बैकअप आ रहा है वो मोर देन 1 आवर का आ रहा है। जो लास्ट टाइम चाइनीज बैटरी मैं यूज कर रहा था उससे उसका बैकअप जो मुझको मिल रहा था वो 25 मिनट का मिल रहा था, लेकिन अब मुझको यहाँ पर 1 घंटे से ज्यादा बैकअप मिल रहा है। तो इसका मतलब जो ये मेरी बैटरी मैं यूज कर रहा है एमरॉन क्वांटा बहुत ही बेहतरीन बैटरी में है और अच्छा बैकअप दे रही है। अगर आपको इस इलेक्ट्रिक टॉय कार की अनबॉक्सिंग वीडियो और वर्किंग वीडियो देखनी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका वीडियो लिंक भी दूंगा, जहाँ जाकर आप सीधे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये आपको एमरॉन क्वांटा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो चलिए चलते हैं वापस स्टूडियो की साइड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो तुरंत मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उनको मेरी वीडियो में जरा सा भी कुछ पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे आने वाली वीडियो का आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब आप सभी लोगों से मैं विदा चाहता हूं, मैं दोबारा हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।